हाय गाइस, आज हम बताएंगे अपने वीडियो में कि आपको एमसीए सीनियर का फॉर्म कैसे फिल अप करना है और कोई त्रुटि नहीं करनी है। अपने मोबाइल में आपको एक स्कैनर डाउनलोड कर लेना है। ओके, स्कैनर आप अदर स्कैनर भी डाउनलोड कर सकते हो और उस स्कैनर से आप स्कैन कर सकते हो अपने फोटो और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर जाकर आपको गूगल सर्च कर लेना है या फिर क्रोम पर सर्च कर लीजिए। साइट क्या है एमसीए सीनियर की, तो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा www.ems.exam.ac.in पर आप सर्च कर लीजिए या डाल लीजिए और उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए यह इस तरीके से ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर होम पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको किस वाले इस पर जाना है, तो एकेडमिक कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का सरफेस प्राप्त होगा। देखिए यह ऐसे मिल जाता है जिसमें बेसिक डिटेल आपको भरनी है। ओके गाइस, तो देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या फिलअप करने होंगे। दो पार्ट में कंप्लीट होता है। एक तो यहाँ पर बहुत सारे निकल जाते हैं, जैसे पोस्ट बेस बीएससी हो गया, तो आपने को प्लेन जो बीएससी है वो पर क्लिक कर लेना है। आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा है, बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स बीएससी कोर्स 2023 हैज बीन स्टार्टेड। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन इन जनरल जनरेशन ऑफ कोड, मतलब इस आपने को न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने हैं क्योंकि पहले से लॉगिन नहीं है। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से खुल जाता है जहाँ आपको ई वैलिड ईमेल एक ईमेल चाहिए होगी आपको यहाँ पर। नेक्स्ट आपको वैलिड फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड वगैरह लगेगा। सेकंड देन आपको क्या है, डिजिटल क्या चाहिए, कलर फोटो चाहिए जिसमें बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, इमेज ऑफ सिग्नेचर चाहिए आपकी और इमेज ऑफ लेफ्ट थंब पैड में लगाकर आप एक फोटो ले लीजिए और कुछ इस तरीके से अपलोड करेंगे जो आपको हम बता देंगे। ओके गाइस, तो आगे देखते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको इसमें और मार्कशीट लगेगी, एडमिट कार्ड ऑफ 12th क्लास 10th एग्जाम बोर्ड, ये देख लीजिए। आगे प्रोसीड कर लेंगे। इसके बाद क्या नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से दो पार्ट में होता है। एक होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन और सेकंड होता है फाइनल रजिस्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है कि आपको पेमेंट वगैरह की सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। सबसे फर्स्ट में आप देख लेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से फिलअप की जाती है और इसमें क्या क्या लगेगा इसके बारे में देख लेते हैं, ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना करो और फॉर्म अच्छे से फिलअप करो। तो देखिए बेसिक में यहाँ पर कर लेंगे, नेशनलिटी क्या होगी आपकी, तो इंडियन से है तो इंडियन डालेंगे और फुल नेम लिखेंगे। तो मैं यहाँ एग्जांपल ले लेती हूँ, दीप्ति कुमारी के नाम से एक एग्जांपल ले लेते हैं। और इसमें सेकंड आपको आपका नाम री एंटर करना है, तो आपको आपका नाम जो पूरा नाम है उसे जिस तरीके से आप लिख रहे हो अपनी 11th 12th की मार्कशीट में 10th और 12th में लिखा है सेम उसी तरीके से लिखे। फादर्स नेम भी वही लिखे जो आपने 12th और 10th में डाला है, सेम स्पेलिंग, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ओके गाइस, कुछ इस तरीके से इसे फिलअप कर लेने हैं। अब जब तक यहाँ डाला जा रहा है, उसके बाद जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक मिले। जो बेसिक डिटेल है, फीमेल्स डालती है तो फीमेल्स, अगर आप एससी ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप अपने क्राइटेरिया कैटेगरी चूज कर लीजिए। और स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब कौन सा स्टेट से करते हो आप बिलोंग, वो फिलअप कर लेना है। कैटेगरी डालनी है आपको, कंफर्म कैटेगरी सेकंड टाइम डालना है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हो तो यस या नो कर सकते हो, अगर नहीं आते हो तो नो कर लीजिए। आईडी प्रूफ, आपको आईडी प्रूफ यहाँ पर डालना है, जो भी आपका आईडी प्रूफ यहाँ पर हम ले लेते हैं आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का आपको नंबर भी डालना पड़ेगा जो आपका नंबर है। देन आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, जिसमें फोटो और क्या होगा सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। तो आपको यहाँ पर कलर आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए और फोटो जो साइज डिसाइड है उस हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो स्कैनर है उसकी मदद से फोटो स्कैन कर लेनी है। और अगर आपने स्कैन नहीं किया है तो किस तरीके से करना है हम बता देंगे, हमने यहाँ पर स्कैन कर चुके हैं। देखिए आपको क्या करना है, सिंपली ओपन कर लेना है क्या स्कैनर। स्कैनर ओपन करने के बाद वहाँ पर कैमरा ओपन कर लीजिए। कैमरा ओपन करने के बाद आपको जो फोटो लगानी है अपनी, जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसे कैमरे की मदद से डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर जाकर आपको स्कैन कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपको स्कैन कर लेनी है आपकी फोटो, और फोटो स्कैन होने के बाद आपको सिग्नेचर भी उसी प्रकार से स्कैन कर लेनी है। स्कैन करने के बाद आपको अपलोड कर देना है यह दोनों फोटोज किस पर, जो साइट पर अपलोड करने के लिए दिया हुआ है वहां पर आपको अपलोड कर लेनी है। और अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट या प्रोसीड कर देनी है। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म बनकर ओपन हो जाता है, जिसको आप क्या कर सकते हो सेव। देखिए इसमें सिग्नेचर भी आ चुकी है और लेफ्ट साइड का जो थंब है उसका भी प्रिंट यहां पर प्रिंट निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट निकाल लेना है या पीडीएफ के रूप में सेव कर लेनी है। ओके गाइस, और जो स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ओके गाइस, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर लीजिए, नहीं तो नेट कैफे से आप अपना फॉर्म इसी प्रोसीजर के रूप में कंप्लीट कर दीजिए और पेमेंट डन कर अपने फॉर्म को सेव कर लीजिए। अब इस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। ओके, और कोई आपका डाउट्स हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए।